हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टी फूड विद नेहा। और फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम घर पे खाना बनाते हैं तो चावल हमारा कई बार एक्स्ट्रा बच जाता है, जिसे फिर कोई खाना पसंद नहीं करता। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको उसी बचे हुए चावल से एक नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 टेबल मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। हल्का गर्म होने पर हम इसमें फ़ौरन या तड़के के लिए 2 से 3 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। अब 3 से 4 हम खड़े लाल मिर्चे डालेंगे। इसे थोड़ा तीखापन आता है, वो बहुत अच्छा लगता है। अब हम 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। अब हम 1/2 टीस्पून मेथी के दाने डालेंगे। इन सब को हम तेल में थोड़ा देर पकाएंगे, इससे जो इन सब का फ्लेवर है वो तेल में आ जाएगा। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे बचे हुए चावल हैं। इसे मैं अब कढ़ाई में डाल करके 1 से 2 मिनट तक भूनूंगी, पकाऊंगी थोड़ा अच्छे से। वैसे तो पके हुए ये हैं ही, थोड़ा सा बस इसका हम कलर चेंज कर लेंगे। देखिए, ज़्यादा नहीं है, बस 1 से 2 मिनट हमें इसे पकाना है। ये देखिए, अब मैं इसमें क्या करूँगी, 1 कटोरी भर के मैं इसमें दही डालूँगी। अगर फ्रेंड्स आपका दही ज़्यादा खट्टा हो तो आप आधा दही और आधा पानी ले सकते हैं। ये मैंने इसमें 1 कटोरी दही डाली है, इसे मैं अच्छे से थोड़ा पका लूँगी। अब मैं इसमें 1 कटोरी पानी डालूंगी। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, पर अगर आपको खट्टा पसंद ना हो तो आप इसे ट्राई मत कीजिएगा। पर अगर खट्टा पसंद करते हो तो आप इसे बिल्कुल बनाइएगा, आपको ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, जब दही थोड़ा गाढ़ा हो जाए इसका मतलब है कि चावल हमारी बहुत अच्छे से गल गई है और ये बन करके तैयार हो गई है। ये देखिए, है ना फ्रेंड्स, बहुत इजी एंड टेस्टी और खट्टी रेसिपी। ये चावल की खट्टी खीर भी हम इसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ओके, थैंक यू।